हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा सिटी मेंस के अंदर आपके जो ग्रुप 7 की पोस्ट थी उसमें जो प्रोफाइल पे हम बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंजर इनको देख लिया है एंड अभी हम हेफेड की बात करेंगे। तो जो है आपकी दोनों पोस्ट दी गई है, मार्केटिंग ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर, इनको आप एक ही वीडियो में मान सकते हैं, बट सेपरेटली बना रहा हूँ क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट्स हैं दोनों पोस्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग ऑफिसर को हम देखने वाले हैं, इसके जस्ट बाद आपको टेक्निकल ऑफिसर की वीडियो मिल जाएगी। देखो हेफेड की बात करें तो ये हरियाणा की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है, ठीक है, जो 1966 में बनी थी। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के अंदर एफसीआई से, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, एंड सेम लाइन के अंदर नेफेड, जिसका मेन काम क्या है, प्रोक्योरमेंट का, खरीद का काम करती है। और उन खरीद के जो प्रोडक्ट है, लाइक आपकी गेहूँ आपसे हेफेड खरीदती है, आपके चावल खरीदती है, फिर उनको प्रोसेसिंग करके उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे जाते हैं। एंड अगर बात करें एक मेजर पोर्शन जो है उनका एक्सपोर्ट भी होता है, तो हरियाणा से अगर कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा है गवर्नमेंट के लेवल पे तो हेफेड जरूर होता है, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली हेफेड के अंदर अलग अलग डिविजन्स बना रखे हैं, तो सेक्शन आप इनको बोल सकते हैं, जैसे मार्केटिंग सेक्शन है, प्रोक्योरमेंट सेक्शन है, देन प्रोसेसिंग का अलग सेक्शन है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज का अलग है। तो इसमें मार्केटिंग डिवीजन के अंदर मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। इसकी सेंक्शनड पोस्ट पहले थी 27। एंड अभी बात करें जॉब लोकेशन के हिसाब से, तो हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको हेफेड के ऑफिस मिलेंगे, तो ऑल ओवर हरियाणा में आप मान के चलो। अदर देन दैट आप दिल्ली में ऑफिस है, कलकत्ता में है, चंडीगढ़ में है, देन मुंबई में है। इसके अलावा ये लोग काम करते हैं मेगा फूड पार्क के अंदर, जहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पे सेटअप करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारा लोडिंग अनलोडिंग ऐसी सारी चीज चलती है, बट एज ए मार्केटिंग ऑफिसर आपको जो मेन काम है वो है हेफेड की प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेल करवा, ठीक है। इसके प्रमोशन की बात करें तो हर दो दो साल में इसका प्रमोशन, हेफेड मार्केटिंग ऑफिसर का फर्स्ट प्रमोशन होगा असिस्टेंट जनरल मैनेजर का, उसके 2 साल बाद ही मिनिमम ये है, मतलब 2 साल के बाद एलिजिबल है प्रमोशन के लिए। हो सकता है वो आपका 3 साल में भी हो, 4 में भी हो, बट हर दो दो साल में यहाँ पे प्रोविजन है मिनिमम टाइम पीरियड के हिसाब से। सेकंड प्रमोशन होगा आपका डीजीएम के ऊपर, डिप्टी जनरल मैनेजर, देन एडिशनल जनरल मैनेजर, देन जनरल मैनेजर। तो 10 साल के अंदर आप जनरल मैनेजर बन सकते हैं, बट इसको आप मैक्सिमम मान सकते हैं 15 to 20 ईयर, ठीक है। एंड आपका हर साल जो इंक्रीमेंट है वो ओवरऑल चले है, एंड जो पे स्केल है पहले का वो आप देख सकते हैं, अभी ये 4200 का है, ओके। बाकी ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सेल पॉइंट होते हैं, तो मार्केटिंग ऑफिसर का काम ये है कि मार्केट को कैप्चर करें, ताकि जो कंपटीशन में है कोई भी हो सकता है, जैसे हेफेड का बासमती राइस है उसके कॉम्पिटिशन में क्या है, हेफेड का जो ऑयल है उसके कॉम्पिटिशन में क्या है, उनसे कॉम्पीट करना एंड ज्यादा से ज्यादा सेल को बढ़ाना, ठीक है। एंड कई बार आपकी जो मीटिंग्स होती हैं लाइक अदर कंट्रीज के साथ भी रिगार्डिंग मार्केटिंग, तो वो भी हेफेड देखता है। अभी ईस्ट अफ्रीका में इन्होंने कुछ एक टेंडर वगैरह किए हैं, तो सारा मार्केटिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग डिवीजन हेफेड का एक और छोटा सा आप स्ट्रक्चर मान सकते हैं। बाकी जो मेजर पोर्शन है काम करने का वो आपका प्रोक्योरमेंट के अंदर जो खरीद होती है, और जो वेयर हाउसिंग जब टेक्निकल ऑफिसर में आगे देखने वाले हैं उसके ऊपर। बात करें वर्कलोड की तो फील्ड की जॉब है, मार्केट में आपको जाना पड़ेगा एंड जो डीलर्स हैं उनके साथ, रिटेलर्स हैं उनके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हेफेड एंड मार्केटिंग ऑफिसर की रिगार्डिंग जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं हमारे सेक्शन के अंदर, पर्टिकुलर जो भी आपका डाउट है, ठीक है। बाकी ये देखो कोई भी जॉब अच्छी अबुरी नहीं होती, हर एक जॉब के अंदर अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, अगर उनके साथ आप डेवलप कर सकते हैं तो वेल एंड ओके। एंड जो मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट है इसको छोड़ के जितने भी पोस्ट है उस पर कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, वहां पे आपको प्रमोशन से ही जाना होता है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू, फॉर द नेक्स्ट।